हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम कटिंग करेंगे एक बच्चे के लिए, कुर्ता कटिंग करेंगे 6 ईयर के बच्चे के लिए। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग कपड़ा लेना है। तो हम ये कुर्ते की कटिंग करने वाले हैं। ठीक है, ये लेफ्ट ओवर कपड़े से भी बन सकता है, ये भी लेफ्ट ओवर कपड़ा ही है, मेरे ड्रेस में से बचा हुआ कपड़ा है ये। तो इसके लिए हमने क्या करना है, लेंथ में जितनी हमें लेंथ चाहिए कपड़े की, या जो भी आपके कपड़े की लेंथ है, उसको लेंथ में डबल फोल्ड कर लीजिए। देखिए, लेंथ में मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया है, इसको डबल फोल्ड करने के बाद इसको जितनी भी हमारी हमारे हिप हैं, ठीक है, उसे 2 इंच एक्स्ट्रा हमने चौड़ाई में डबल फोल्ड कर लेना है। ठीक है, पहले हमने इसको लंबाई में फोल्ड करना है। लंबाई में करने के बाद जितना हमारा हिप है, उसे 2 इंच एक्स्ट्रा चौड़ाई में फोल्ड कर लेना है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए हमारा फोल्ड हो गया है, ये देखिए डबल फोल्ड हो गया है। हमारा यहाँ पे जो हिप है वो है 27। ठीक है, 27 को हमने करना है 4 में डिवाइड, क्योंकि ये 4 लेयर है। तो 4 में डिवाइड करेंगे 27 को, तो हमारा आएगा कितना आएगा हमारा, तो हमने क्या करना है, जितना भी हमारा है उसका 4 में डिवाइड करना है। ये हमारा आएगा 6 point something आएगा, 6.3 कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये देखिए इतना है हमारा, और इतना हमने मार्जिन ले लिया है, एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है हमने सिलाई के लिए, और मे भी हमें कभी इसको लूज़ करना पड़ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मार्जिन ज़्यादा ही रखना है हमने। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बंद साइड है ये हमारी तरफ रहेगी। ओके, बंद साइड की तरफ से हमने निशान लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ लेंगे। ओके, लेंथ हमारी यहाँ पे है 24 हमने यहाँ पे इसको रेडी रखना है। ठीक है, तो 24 रेडी रखने के लिए हम क्या करेंगे, 24 पे इसका निशान लगा देंगे इस तरह से। ओके, ये हमारा वो पोर्शन है जितना रेडी होना है। ओके, 24 रेडी होएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, जितना हमने फोल्ड करना है, ज़्यादा फोल्ड करना है तो 3 इंच भी रख सकते हैं, कम फोल्ड करना है तो कम रखिएगा। तो दो, मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ फोल्डिंग के लिए। ठीक है, ये होगी हमारी लेंथ। ठीक है, मैंने लेंथ ली है 24, देन 1 इंच एक्स्ट्रा लिया फोल्डिंग के लिए। फोल्डिंग के लिए आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, आपको चौड़ा फोल्ड करना है, कम फोल्ड करना है। ओके, देन हम क्या करेंगे, ऊपर से ये देखिए यहाँ से बंद साइड है, ये देखिए बंद साइड हमारी तरफ है, यहाँ से हम लेंगे इसका शोल्डर। तो शोल्डर जो है हमारा यहाँ पे वो है 5 इंच। ठीक है, ये 6 ईयर बच्चे का है, 7-6 ईयर बच्चे को आराम से आ जाएगा। ठीक है, 5 लेंगे, 5.5 हम यहाँ पे लेंगे आर्म होल। ठीक है, ये हमारा आर्म होल है, 5.5 हम ये लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सीधा मिला देना है, बहुत आसान है दोस्तों, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से हमारी फिटिंग लेनी है। ठीक है, फिटिंग हमारी वही है 24, तो ऑलमोस्ट 6 है हमारी फिटिंग, फिटिंग का निशान हो गया। उसके बाद 1-1.5 इंच हम ले लेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्स्ट्रा, 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से 1 इंच रखते हुए, ठीक है, 1 इंच रखते हुए इस तरह से, और हल्की सी गोलाई हमने दे देनी है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा हो गया है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से, ठीक है, आर्म होल जहाँ पे हमारा हुआ है वहीं से 5 इंच पे निशान लगाना है। ये हमारी कमर है, और हमारा जो है 10 इंच पे, ये देखिए यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा पास करती हूँ, 10 इंच पे, 10 इंच पे क्या है हमारा हिप आएगा। ओके, ये हमारा 10 इंच हिप है, ये हिप है। तो कमर हमारी बच्चे का है तो लगभग एक जैसा ही है, कमर भी वही 24-27 ऐसी ही है, लगभग इक्वली है। और हिप हमारा है 27 6 point something हम यहाँ लेंगे हिप, ठीक है, 4 में डिवाइड करके, तो ये हमारा लगभग एक जैसी सी फिटिंग आएगी, क्योंकि ये बच्चे का है। तो आप हल्का सा कमर में हल्का सा इस तरह से कर्व दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा हिप होएगा।
ठीक है। अभी हमें नीचे की तरफ जो घेरा है वो हम अप कितना जितना हमने रखना है उतना ही, ऑलमोस्ट घेरा जितना हिप होता है उतना ही रखना चाहिए, जैसे यहाँ पे 7.5। ओके 7.5 हम यहाँ पे हिप रख लेते हैं, कुछ सिलाई में आ जाएगा हमारा, और इसको बिल्कुल सीधा मिला देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कटिंग होएगी, यहाँ से एक कर्व में जाते हुए ऐसे कटिंग होएगी और ये पूरा ऐसे कटेगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, यहाँ से हमारी सिलाई करेंगे जब हम सिलाई करेंगे तो। ठीक है, ये बहुत ही आसान है दोस्तों, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसको मैं कटिंग करती हूँ अभी। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसकी कटिंग कर दी है, जहाँ पे निशान लगाया बिल्कुल वैसे ही कटिंग करनी है। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखना, ठीक है, क्योंकि बाद में अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो हम उसको कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, ये शोल्डर की तरफ से हल्का सा कट करना है इस तरह से। ठीक है, 1/2 इंच से भी बिल्कुल कम, 1.25 इंच, ये देखिए इतना बिल्कुल हल्का सा इस तरह से, 1/2 में इस तरह से। ठीक है, तो मैं ये हल्का सा एक कट यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि ये बंद साइड है तो ये ओपन भी हो जाएगा। ये ओपन हो गया मेरा, देखो हल्का सा कर्व है, आपको दिख रहा होगा, ये अच्छे से बना है हमारा कर्व। इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे कमीज की कटिंग हो गई है, यहाँ पे जहाँ पे हमारा हिप था, हिप के ऊपर हम एक कट का निशान लगा देंगे, ताकि हमें दोनों साइड से बराबर पता लग जाए कि यहाँ पे हमारा हिप है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से फिर हम फोल्ड करेंगे इसको, तो सेम निशान हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। ठीक है, इसी की हेल्प से इस तरह से देखिए सेम ऐसे इसको मिला देंगे, ये देखिए। ठीक है, हमारी कुर्ते की कटिंग हो चुकी है, और अब आता है यहाँ पे नेक की बारी। ठीक है, तो नेक हम यहाँ पे राउंड रखने वाले हैं। ठीक है, राउंड नेक बनाएंगे हम यहाँ पे, तो अब हम करेंगे इसे गले की कटिंग। गले की कटिंग के लिए हमने यहाँ से लेना है, ये हल्का सा ऊपर से ब्रॉड होने वाला है, 2.5 में ले रही हूँ। ठीक है, आप 2 भी ले सकते हैं, और इसकी लेंथ मैं रख रही हूँ 3 इसकी लेंथ है, 2.5 विड्थ है, और यहाँ से कर्व हम दे देंगे हल्का सा। ठीक है, तो आपको देखना है कितना हो जाएगा, 4.5, हाँ आराम से आ जाएगा बच्चे के गले में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको कट कर देती हूँ, फ्रंट एंड बैक बोथ आर सेम। तो ये हल्की सी हमने इसकी कटिंग कर दी है। ठीक है, ये कटिंग हो गई है, गले की कटिंग भी हो गई है हमारी, और शोल्डर की कटिंग भी हो गई है। अब हम इसको स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग के लिए क्या करना है, ये स्लीव्स नहीं लगानी है मैंने, कट स्लीव ही रखना है, विदाउट स्लीव्स रखना है। तो अब हम करेंगे इसकी स्लीव, उससे पहले हम क्या करेंगे, गले के लिए और ये जो नेक है इसके लिए क्रॉस पट्टी कट करनी होती है। तो मैं आज आपको बता भी देती हूँ कि क्रॉस पट्टी हम कैसे कट करते हैं। क्रॉस पट्टी करने के लिए आपको कपड़ा लेना है, देखिए मैंने कपड़ा ले लिया है, कोई भी स्क्वेयर में कपड़ा है, अगर ऑलरेडी वो थोड़ा सा तिरछा है तो दैट्स गुड, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे ट्रायंगल में एक निशान लगा लेना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये ट्रायंगल में निशान लगाने के बाद हमने इसको ट्रायंगल में ही कट कर देना है। ठीक है, ये हमारी नेक पे जो राउंड नेक पे पट्टी लगती है, और शोल्डर्स पे भी जो हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है स्लीव्स नहीं लगाने वाले हैं हम, तो वहाँ पे भी लगेंगे। देखिए इस तरह से कट हो गया, उसके बाद हमने 1 और 1.5 इंच की पट्टी कट करनी है इस तरह से। ठीक है, 1.5 इंच की पट्टी कट कर लेंगे हम इस तरह से, एक मिनट देखिए, ये पट्टियाँ इजीली लग जाती हैं, किसी भी गोलाई वाली जगह पे आराम से लग जाती हैं, कोई खिंचाव नहीं आएगा। अगर अब सीधी पट्टी हम लगाते हैं तो वो नहीं लग पाती हैं। ठीक है, ये होगी हमारी, ये देखिए एक ये कट कर लेते हैं हम, मैं अंदाजे से कर रही हूँ, आप मार्किंग करके भी ये कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए ये पट्टी हो गई है शोल्डर्स के लिए और नेक के लिए, इसी तरह की पट्टियाँ हमने कट कर लेनी है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग।
तो अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। स्टिचिंग करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले शोल्डर्स को जोड़ लेना है। एक साइड के शोल्डर हम ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। एक साइड साइड का शोल्डर हम जोड़ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने जो ये शोल्डर जो है ज्वाइंट कर लिया है, ठीक है, एक साइड से किया है। ये देखिए वन साइड से किया है, इस साइड से अभी ओपन ही है, ठीक है। अब हम इस पर लगाएंगे क्रॉस पट्टी पूरे पे, नेक पे, ओके। ये मेरी क्रॉस पट्टी है और ये हम लगाएंगे नेक पे इस तरह से, ओके। फ्रंट और बैक के दोनों पे, पूरे पे हमने ये लगानी है। तो मैं ये लगा लेती हूँ। जब भी आप किसी भी राउंड शेप करते हो, सिलाई करते हैं राउंड शेप की, तो उसमें आपको हमेशा याद रखना है कि हमने इस तरह से कट के निशान लगाने हैं, ठीक है। जो सिलाई की है उसे थोड़ा थोड़ा छूटते हुए इस तरह से हमने कटिंग के निशान लगाने होते हैं। इससे क्या होएगा, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए मैंने पूरी पट्टी लगा ली है और इस पर ये इस तरह से कट के निशान लगा लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको अंदर की तरफ हाफ इंच इस तरह से, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। इस तरह से मैंने पूरा स्टिचिंग लगा ली है, इसी तरह से आपको भी लगानी है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गई थी कि जो फ्रंट का जो पार्ट है उसके आर्म होल की हाफ इंच कटाई अंदर की तरफ हमने कटिंग करनी है, ठीक है। इस तरह से हाफ इंच ऐसे, ठीक है। ये किसी कोई भी आप कुर्ता स्टिच करते हैं तो उसमें फ्रंट कट की कटिंग हम आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। इससे झोल वगैरह नहीं आएगा और फिटिंग अच्छी आएगी आपकी। ये देखना हमने कटिंग कर ली है, और याद रखना है कि ये एक जैसा कपड़ा है तो हमें पता नहीं लगेगा कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक है, इसलिए हमने इस पर एफ लिख देना है, ठीक है। दोनों तरफ लिख दीजिए एफ, ठीक है। तो ये फ्रंट है, इसका हमें याद रखना है कि ये हमारा फ्रंट साइड है। अब हमने क्या करना है, शोल्डर पर भी इसी तरह से पट्टी लगानी है और फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो मैं ये कर देती हूँ अभी। ये देखिए मैंने शोल्डर्स को भी फोल्ड कर लिया है इस तरह से कपड़ा लगा करके। अब हमने करनी है फिटिंग। जो भी हमने फिटिंग का निशान लगाया है वहीं पे हम फिटिंग करेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम स्टिच लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से स्टिच कर दिया है इसको, साइड से फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको नीचे से फोल्ड कर देती हूँ, ठीक है। जितना मैंने फोल्ड करना है, ये देखिए अगर आपको डबल फोल्ड करना है तो इस तरह से नीचे से फोल्ड कर देती हूँ। नीचे से फोल्ड करने के बाद हमने ये साइड पोर्शन फोल्ड करना है इस तरह से, ठीक है। जितना भी फिटिंग का निशान लगाया हमने हिप पे, उसको प्रॉपर हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है ऐसे। तो ये हमारा यहाँ पे स्टिचिंग लग जाएगा, तो मैं ये कर देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने स्टिचिंग लगा ली है नीचे से भी और साइड्स में भी, मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब आपको याद होगा मैंने फ्रंट साइड में एफ़ लिखा था, तो हम इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, नीचे की तरफ ये फोल्ड कर दिया है मैंने, ये स्टैंडिंग लाइन में कुर्ता बना हुआ है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसी को कट करके एक 2 इंच का या 1 इंच का और ऐसे स्लीपिंग में लगा देंगे इसमें, तो ये एक पैटर्न बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसका पहचान भी हो जाएगी कि ये फ्रंट साइड है और फ्रंट साइड ही हम लगाएंगे। तो मैं इस तरह से इसको स्टिच कर देती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ये फ्रंट की साइड ये पट्टी लगा दी है और ये हमारा कुर्ता बनकर रेडी हो गया है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से इजी वे में आसानी से कुर्ता बना सकते हैं, तो ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए ये जो पट्टी लगाई थी इससे लुक ही अलग आ रहा है, देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। और ये फ्रंट का साइड है, और यहाँ पर देखिए गले पर हमने नॉर्मल पट्टी लगाई थी और इधर हमने जो पट्टी लगाई थी उसको बाहर की तरफ फोल्ड किया है। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। तो मेरी ड्रेस रेडी है, मैं इसको अभी ट्रायल आपको दिखाती हूँ कि ये बच्चे के ऊपर कैसा दिखता है। तो अगर आपको पसंद आया हो ये मेरा कुर्ता बनाने का स्टाइल, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करना, और बने रहिएगा मेरे चैनल पर इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।